हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज है सैटरडे एंड अभी मैंने काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट किया है, तो आज का जो है सब कुछ लेट हुआ कि लेट सो के उठे, क्योंकि कल नीरव जो है रात में बहुत परेशान कर रहा था, तो इस वजह से हम लोग तीनों लेट उठे थे आज। और सैटरडे संडे क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है और मेरे बाल जो है अभी काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, और क्योंकि मैंने लेट इसको वॉश किया था सो मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने दिन में वो लगाया था अंडा और अनियन जूस लगाया था स्कैल्प में, और अंडा लगाया था बालों में, क्योंकि अब ठंडी आ रही है और मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी कुछ भी अपने बालों पे नहीं लगाया, तो मैंने सोचा थोड़ा लगा लेते हैं, फिर ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो फिर नहीं लगा पाऊँगी। और क्योंकि परसों मुझे जाना भी है एक रिसेप्शन में किसी, तो उसमें जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं बालों पे, थोड़ा और अच्छा हो जाए। सो या, और कल जो है हमारे घर पे वॉशिंग मशीन आया, एक न्यू वॉशिंग मशीन, और वो सैमसंग का है। सो बस मेरे बाल जल्दी सूख जाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो न्यू वॉशिंग मशीन। गाइस ये है सैमसंग का वॉशिंग मशीन, तो ये 6.2 का है। एक्चुअली मैंने 6.5 का बोला था, बट मैं नहीं गई तो मेरे हस्बैंड गलत ले आए, इस वजह से मैं काफ़ी गुस्सा थी उनसे। बट वैसे भी हमें छोटा ही चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से ये रहे। आई डोंट नो इतना ब्लैक क्यों आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का लगता है। तो वॉशिंग मशीन जो था मैंने 6.5 का बोला था अपने हस्बैंड को, तो वो 6.2 का ले आए, तो मैं कल उससे बहुत गुस्से में थी, बट फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, लेके आ गए। सो यही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं बहुत लेट नहाई हूँ, और मुझे वैसे भी सर्दी इन्हीं सब चीज़ों से नहीं पसंद आती, क्योंकि सर्दी में नहाने का भी बिल्कुल मन नहीं होता, इवन कोई काम करने का मन नहीं होता है, तो ये होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं सर्दी में, थोड़ी मैं बीमार भी पड़ जाती, तो इस वजह से मुझे ना नहीं अच्छा लगता है सर्दी। बट हाँ, बहुत सारे लोगों को सर्दी ही ज़्यादा पसंद आता है, तो शायद मैं थोड़ी अलग हूँ। तो या, और मैंने लंच आपको दिखा दिया था आज क्या बना था, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आज किचन का जो था मैंने डीपली क्लीन करा था, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लीन है, तो क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था अच्छे से क्लीन करने का, तो इस वजह से। और नीरव अभी जो है वो सो रहा है, बड़ी मुश्किल से सोता है, रात भर बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो इसलिए ये अभी दोबारा सोया है, वैसे वो जल्दी सोता नहीं है, इससे पहले जो सोया था काफ़ी देर सोया था। तो बस यही सब है, मैं थोड़ी देर में चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड अभी भी लग रही है। सो या, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ़ोन जो है मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं है अभी, तो इसको पहले मैं चार्ज में लगा देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस, सो नीरव के लिए मैं एप्पल और कैरेट और ये कीवी का जो है प्यूरी बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने इसको और कैरेट को बॉईल किया है, बट कीवी जो है उसको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, कीवी को ऐसे ही बिना बॉईल किए भी हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं, तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ नीरव के लिए बना लूँ। और या, सो अब मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है, तो मैं नीरव को फटाफट से दे देती हूँ। हाँ जी बेटा, क्या क्या हुआ? दे रही है मम्मा। तो मैं नीरव को थोड़ा फटाफट से खिला देती हूँ। और हाँ जी बेटा, और इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है स्टीमिंग के लिए, तो मैं स्टीम करूँगी अपने फेस को। और हाँ जी बेटा। सो गाइज, आज जो मेरा लंच है वो काफ़ी सिंपल है, वो है आलू गोभी, और उसको मैंने इस तरीके से बनाया है आलू गोभी को बॉईल करके, बट ये काफ़ी ज़्यादा बॉईल हो गया है तो पता नहीं चल रहा है। और लंच में मैंने राइस बनाया है, इसमें से थोड़ा सा मैंने नीरव को खिलाया था, तो बस यही है। और इधर मेरा दूध बॉईल करके रखा हुआ है, तो बस पानी गर्म हो गया, मैं फेस को स्टीम करूँगी इससे, तो पानी हो गया है गर्म। ओके गाइस, सो चाय जो इधर मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने इलायची डाला है जो कि दिख रहा होगा, मैंने 3 इलायची डाला है और अदरक डाला है, उसको क्रश करके डाल दिया है, और बस उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। गाइस अभी जो है मैं चाय पी रही हूँ, और पता नहीं क्या हो रहा है, फ़ोन की जो रोशनी है बहुत ज़्यादा कम है, तो दूसरा फ़ोन मुझे बहुत ज़रूरी है अब लेना, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और चाय बहुत टेस्टी है, इसमें मैंने 3 इलायची डाल दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है,
अगर एक या दो डालो तो फिर उससे उतना टेस्ट नहीं आता है, उसका उतना फ्लेवर नहीं पता चलता है। तो बस मैं अभी अपनी गैलरी में हूँ और बच्चे जो है वो नीचे खेल रहे हैं। क्या किचन नहीं है तुम्हारा? हाय गाइस, तो अभी जो है मैं दलिया बना रही हूँ। ओप्स, और मैंने क्या देखा, एक आलू मेरा ऐसे ही है। इसको जो है मैंने चॉप नहीं किया है, तो इसको मैं दोबारा से चॉप। अब मैं थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस डाल देती हूँ एंड देन दलिया डालेंगे। बस गाइज, मैं आज दलिया ही बना रही हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं था और कुछ अलग बनाने का, मेरा मन भी हो रहा था कुछ दलिया खाने का, तो मैंने सोचा चलो दलिया ही बना लेती हूँ, तो जल्दी भी बन जाता है और नीरव भी खा लेगा। तो मैं मिर्च डालूंगी, बहुत कम डालूंगी, लाइक इतना। और आज क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले छिपकली आ गई थी हमारे घर में, और काफी बड़ी छिपकली थी वो, तो इतना डरती हूँ मैं, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा उस छिपकली से। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको कैसे भी भगाया, भाग भी नहीं रही थी छिपकली। तो ये तो सारे मसाले। हाय गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैं आज का व्लॉग मुझे नहीं लग रहा उतना अच्छा हो पा रहा है, तो बीच बीच में बिल्कुल भूल जा रही हूँ। तो अभी जो है सब कुछ हो गया है काम, मतलब खाना वाना भी हम लोग खा चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा फेस को वॉश कर लिया है और थोड़ा रोज़ वाटर लगा लिया है मैंने, और अभी जो है मैं वो लगा रही हूँ, वो है आलू का जूस और हनी। तो उन दोनों को, आलू का जूस मैंने कद्दूस कस करके उसमें से रस जो था स्क्वीज कर लिया और हनी ऐड कर दिया है। तो मैं इसको अपने फेस पे लगा लेती हूँ और मैं सो जाऊँगी एंड सुबह ही अपना फेस जो है वॉश करूँगी। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपने फेस के लिए, तो यू नो मैंने सोचा चलो थोड़ा कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया। और ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो मैं बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो अभी कर लेते हैं, ज़्यादा सर्दी में होगा नहीं। तो इसको आप डार्क सर्कल पे भी लगा सकते हो आँखों पे, क्योंकि जो आलू होता है ना वो डार्क सर्कल को भी रिड्यूस करता है और एक तरह से हमारे स्किन को ब्लीच करता है, तो लाइटन भी करता है हमारी स्किन को। तो इसलिए मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, पहले भी मैं, बट जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा है अभी तक होम रेमेडीज में, तो वो है बेसन। बेसन मेरा शुरू से ही फेवरेट रहा है, तो उसमें कुछ भी मिक्स करके कभी हल्दी कभी दही वाला बनाती हूँ, और अभी सर्दी आ गया तो उसमें मैं क्रीम डाल के, फ्रेश क्रीम डाल के ज़्यादा करूँगी, लाइक क्योंकि मॉइस्चर भी हमारे स्किन पे होना चाहिए ना। थोड़ा मैं इधर भी लगा लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ सोने। आई डोंट नो, मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी या फिर कल कंटिन्यू रखूँगी, कल एंड करूँगी। तो अभी के लिए तो बस इतना ही है, मैं थोड़ा फटाफट से लगा लेती हूँ तो बस, और इसको मैं सो जाऊँगी, क्योंकि इससे जो मेरे पिंपल्स के दाग है थोड़े, तो वो भी कम हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, सो इसलिए लगा रही हूँ। सो यार, मैं मिलती हूँ आपसे, आई डोंट नो कब, तो अभी के लिए इतना ही।